एस्पायरुलिना साइनोबैक्टर का बायोमास है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसके दो प्रजातियां हैं, ऑर्थो एस्पायरा प्लेटेंसिस और ए मैक्सिमा। ऑर्थो एस्पायरा प्लेटेंसिस मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, ए मैक्सिमा कैलिफोर्निया और मैक्सिको में पाया जाता है। अधिकांश खेती की गई एस्पायरुलिना ओपन चैनल रेसवे तालाबों में उत्पादित होता है, जिसमें पानी को एगिटेट करने के लिए पैडल पहियों का उपयोग किया जाता है। यदि आप इसके इतिहास को देखोगे तो एस्पायरुलिना 16वीं शताब्दी तक एस्टेक्स और अन्य मेसो अमेरिकन के लिए एक खाद्य स्रोत था। मेक्सिको में लेक टेक्स कोको से फसल और बाद में केक के रूप में बिक्री किया गया। खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को दूर करने के लिए और लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट और मार्स मिशन में आहार सहायता के रूप में एस्पायरुलिना की जाँच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए इसका लाभ यह है कि प्रोटीन और एनर्जी का उत्पादन करने के लिए पशुधन की तुलना में कम भूमि और पानी की आवश्यकता होती है। सूखे स्पायरुलिना में 5% वाटर, 24% कार्बोहाइड्रेट, 8% फैट और 60% प्रोटीन होता है। इसे सप्लीमेंट्री फॉर्म में जैसे कि सूखे पाउडर के रूप में प्रदान किया जाता है। स्पायरुलिना की 100 ग्राम की मात्रा 290 किलो कैलोरी की आपूर्ति करती है और कई आवश्यक पोषक तत्वों विशेष रूप से प्रोटीन, विटामिन बी, डायट्री मिनरल्स जैसे आयरन और मैग्नीज का एक समृद्ध स्रोत है। 1980 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरू में नासा का कंट्रोल इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का द माइक्रो इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम अल्टरनेटिव ने लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन के लिए स्पायरुलिना को प्राइमरी फूड में से एक के रूप में प्रपोज किया था। लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार किसी भी मानव हालत के लिए स्पायरुलिना सप्लीमेंट की सिफारिश करने के लिए इनसफिशियंट वैज्ञानिक सबूत है और इस पे अधिक रिसर्च की जरूरत है। स्पायरुलिना साइनोबैक्ट्रियम का एक रूप है, जिसमें से कुछ टॉक्सिन्स का उत्पादन करने के लिए पाए गए थे, जैसे कि माइक्रोसिस्टिन्स, जो सेवरल ऑर्गन सिस्टम के लिए एक टॉक्सिक का काम करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।